नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरोनीज डिजीज़ के बारे में। बेसिकली पेरोनीज डिजीज़ मतलब कि लिंग में दर्द है, लिंग में गांठ है और लिंग में टेढ़ापन है। तो पेरोनीज डिजीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी तरीक़ों से होता है, पर सही ट्रीटमेंट लेना पेरोनीज डिजीज़ में अत्यंत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी एक पुरुष रोग विशेषज्ञ और सर्जन। और मेरे पेरोनीज पे पहले भी वीडियोस है, मैं इस वीडियो में आपसे पेरोनीज स्पेसिफिकली के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो पेरोनीज डिजीज़ मतलब कि लिंग के अंदर चार प्रॉब्लम हो गई एक साथ। पहली प्रॉब्लम है कि लिंग जो है पूरा तनाव में नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम कि लिंग के अंदर गांठ है जो महसूस होती है, उस गांठ में हो सकता है दर्द हो, उस गांठ में हो सकता है दर्द ना हो, और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है। और तीसरा, उस लिंग में टेढ़ापन आ रहा है। टेढ़ापन या तो हो सकता है लेफ्ट राइट हो, नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। तो अगर, और ये नॉर्मली ये डिजीज़ जो है 30 या 35 साल के बाद स्टार्ट होती है। इस डिजीज़ में पेशेंट्स यूजुअली डायबिटिक होते हैं, कभी ना कभी आधे खड़े लिंग से सेक्स किया होता है और कहीं ना कहीं पेनिस में चोट लगी होती है। चोट लगने के कारण पेनिस में जो गांठ बनती है, शुरुआत में वो गांठ में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, पर धीरे धीरे गांठ मुलायम हो जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। और 50% लोगों में बिना किसी टेढ़ेपन के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पर 50% लोग ऐसे हैं जिसमें वो गांठ सख्त हो जाती है, पेनिस में टेढ़ापन आ जाता है और मरीजों को फिर सेक्स में दर्द या इरेक्शन में डिफ़िकल्टी आनी स्टार्ट होती है। पेरोनीज होता क्यों है? नॉर्मली पेरोनीज डायबिटिक पेशेंट्स में होता है जिसमें हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। नॉर्मली जब सख्त पेनिस में सेक्स करते हैं तो पेनिस में चोट लगती है तो बॉडी उसको अपने आप रिकवर कराती है। पर अगर डायबिटीज़ है या पेशेंट स्मोकर है या पेशेंट की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो डिलेड है, तो उस केस में जो चोट है वो हील नहीं होती, गांठ का रूप ले लेती है। और ये गांठ बेसिकली जैसे पैर में खावड़ा होता है ना कॉर्न, ये गांठ जो है लिंग की जो ब्लड वाली कैपेसिटी या ब्लड कैरिंग कैपेसिटी वाली नलकिया है उसके अंदर घुसती चली जाती है और ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ब्लड सप्लाई स्टॉप कर देती है। तो कई बार मरीज बताते हैं कि इरेक्शन खाली आधा आता है, गांठ के बाद ढीलापन रहता है और पेनिस टेढ़ा रहता है, क्योंकि ये गांठ जाके ब्लड को कैप्चर कर लेती है। तो अब आता है कि पेरोनीज डिजीज को डायग्नोज कैसे करें। पेरोनीज डिजीज को डायग्नोज करने के वही तीन साइन है, दर्द, गांठ और इरेक्शन में डिफिकल्टी और टेढ़ापन। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप जाके मिलेंगे एक एंड्रोलॉजिस्ट से, जो मैं हूँ या और भी आपके एरिया में होंगे। एंड्रोलॉजिस्ट सबसे पहले आपके पेनिस को चेक करेंगे, देखेंगे गांठ एक्यूट फेज में है या क्रॉनिक फेज में है। अगर गांठ में दर्द है तो वो एक्यूट है, गांठ में दर्द नहीं है तो वो क्रॉनिक है। एक्यूट फेज में है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, क्रॉनिक में है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसके बाद वो ये चेक करेंगे एक डॉपलर करा के कि पेनिस में ब्लड सप्लाई ठीक है नहीं है, टेढ़ापन कितना है, गांठ का साइज कितना है और गांठ कितनी अंदर तक घुस चुकी है। डॉपलर के बाद फिर आपका एक डायबिटीज शुगर तो है, तो उसके बाद आपका होगा ट्रीटमेंट स्टार्ट। पेरोनीज डिजीज में ट्रीटमेंट चलता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होती है आपकी खुद की लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आपने स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पेनिस के अंदर दवाइयाँ चलेगी जो पेनिस में इरेक्शन लेके आएगी, जो गांठ को घोलेगी। उसके अलावा आपको गांठ तोड़ने के लिए मसाज बताते हैं। अगर इससे 4 हफ्ते में गांठ सुलझ जाती है, पेनिस ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन, जिसमें 3 तरह की सर्जरी होती है। एक होता है इंजेक्शन थेरेपी, दूसरा होता है पेनाइल मोल्डिंग, तीसरा होता है पेनाइल ट्रैक्शन और चौथा होता है लो इंटेंसिटी शॉक वेव। तो इंजेक्शन होते हैं जिसके अंदर इंजेक्शन जैसे हाइलेस हो गया या किनोकॉट हो गया या अपना जायाफ्लेक्स हो गया, जिसको गांठ में लगाते हैं ताकि वो गांठ को घोले। उसके अलावा हम उस गांठ की मोल्डिंग करते हैं या गांठ को तोड़ते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, ताकि वो गांठ टूटे और टेढ़ापन खत्म हो। गांठ को तोड़ने के लिए कई बार शॉक वेव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस मशीन से हम गांठ को बार बार मार के उसके अंदर के कैल्शियम को तोड़ के ख़त्म कर सकते हैं। गांठ टूट जाए, मोल्डिंग हो जाए और पेनिस सीधा हो जाए तो उसके बाद हम पेशेंट को मसाज करने के लिए बोलते हैं। और कुछ मरीजों को पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस या एक डिवाइस होता है पेनिस को खींच पर रखने के लिए, वो बांध के रखना पड़ता है ताकि पेनिस की जो टेढ़ापन हो वो ख़त्म हो। उसके अलावा ओरल टैबलेट चलती है। ये इलाज नॉर्मली 2.5 से 3 महीने चलता है और 3 महीने में धीरे धीरे 4 या 5 सेशन में ये गांठ जाती है और पेनिस सीधा होता है। अगर ये उसके बाद भी ये गांठ नहीं जाती तो फिर हो गई मुश्किल। अब उस केस में फिर हमें इसकी करनी पड़ती है सर्जरी। सिर्फ 5% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी में भी 2 टाइप की सर्जरी है। अगर पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई ख़त्म है, इरेक्शन नहीं हो रहा, तो उस केस में हम गांठ को निकाल कर पेनिस के अंदर इम्प्लांट लगा देते हैं ताकि लिंग एकदम सख्त हो जाए, टेढ़ापन ख़त्म हो जाए और हम उस एरिया को कवर कर देते हैं पैच से।
अगर पेशी का इरेक्शन ठीक है और गांठ बहुत डीप नहीं है तो हम सिर्फ गांठ को निकालकर उस एरिया को कवर कर सकते हैं। कवरेज करने के लिए या तो हम मुंह की खाल इस्तेमाल करते हैं या जो पेनिस की फोर्स के ना उसी की खाल को टर्न करके अंदर क्विल्टिंग कर देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में पेरोनिस डिजीज का ट्रीटमेंट है। तो पेरोनिस डिजीज को डायग्नोज करना जरूरी है। डायग्नोज के बाद आपको अपनी शुगर कंट्रोल और स्मोकिंग बंद करना जरूरी है, करेक्ट डायग्नोसिस करना जरूरी है, और उसके बाद आपका इलाज स्टार्ट होगा दवाइयों से, फिर जाएंगे इंजेक्शन, मोल्डिंग या पिनाइल ट्रैक्शन पे। हो सकता है आपको शॉकवेव देना पड़े, और अगर इन सबसे भी ठीक नहीं हो रहा तो उसके बाद हो सकता है आपको इम्प्लांट डालना पड़े या पेनिस की सर्जरी करनी पड़े। तो अगर आपको पेरोनिस डिजीज है और आप इसका सही इलाज ढूंढ रहे हैं तो नई दिल्ली इंडिया में डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता के पास इसका प्रॉपर एक्यूरेट इलाज अवेलेबल है। आप आके मुझसे मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, और इस वीडियो को शेयर करने पे आपके बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सकती है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।